हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ग्रेटर डोज के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम लेकर आ चुके आपके 1200 के इंग्लिश का अप्रिसिएशन। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं बात करूं सिलेबस की तो सिलेबस में टोटल जो पोएम्स है वो आपके 8 पोएम्स है, ठीक है। अब 8 पोएम में से ही आपका अप्रिसिएशन आएंगे, उसके बाहर का तो कुछ आने वाला नहीं है। अभी आपका कितना मार्क्स कंसिस्ट करता है, 4 मार्क्स कंसिस्ट करता है। अब इसके लिए आपको लिखना क्या क्या रहेगा, क्या सारी चीजें जो आपको ध्यान रखनी है, वो सारी चीजें यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। चलो शुरू करते हैं। साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों शेयर करना, ताकि आपके जो लैंग्वेजेस और बाकी सारे सब्जेक्ट्स है सबकी प्रिपरेशन जो हम यहाँ पे आपकी करवा सके दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहां पे मैं बात करूं तो सबसे पहला पोयम जो है आपका सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड है, ठीक है। अब सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड में हम लोग बात करेंगे क्या है, क्या सारी चीजें। ये आपका बेसिकली एक अप्रिसिएशन, अगर आप लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं आगे इसको एक्सप्लेन भी करूंगा आपको, ठीक है। चलो मैं मेरे ख्याल से पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलो यहां पे एक एक करके मैं बात करूं। सबसे पहली चीज, अब यहां पे 10 स्टैंडर्ड वालों को ये फेवर था कि आपको क्या रहता है कि आपको पोयम दिया रहता है उसका टाइटल प्लस उसके पोएट का नाम आपको दिया रहता है, जिससे आपका एक मार्क्स तो क्वेश्चन पेपर में ही आ जाता है, ठीक है। आपको 4 मार्क्स स्कोर करने। लेकिन 12th वालों का ऐसा नहीं होता है भाई, 12th वालों को ऐसा नहीं होता है। उनको जो है आपका जो पोयम है, पोयम का टाइटल उनको पहचाना रहता है, साथ ही साथ पोएट का नाम भी उनको याद करना रहता है, तो ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। अब टाइटल की अगर बात करूं तो टाइटल है सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड, ठीक है। पोएट कौन है, वॉल्ट विटमैन है। सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड के पोएट कौन है, वॉल्ट विटमैन। और अगर मैं एक हिंट दूं आप किस तरह से आप पहचानोगे कि ये पोयम सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड का है, तो आप याद रखना ओपन रोड अगर आ रहा है, ओपन रोड आ रहा है या फिर रोड आ रहा है पोयम में, तो समझ जाना सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड का ही आपका क्या है पोयम है, ठीक है। तो पोएट का नाम क्या, वॉल्ट विटमैन। सिग्निफिकेंस क्या, काउंटलेस अपॉर्चुनिटीज। सिग्निफिकेंस क्या है, काउंटलेस अपॉर्चुनिटीज। फिर उसके बाद याद रखना आपको पोएटिक स्टाइल क्या, फीवर्स है। फिगर ऑफ स्पीच क्या, एलिटरेशन मेटाफोर रिपीटेशन और इन्वर्जन है। क्या है, एलिटरेशन मेटाफोर रिपीटेशन और इन्वर्जन। अब थीम और सेंट्रल आइडिया क्या, मेटाफोर ऑफ द रोड लाइफ। फिर ओपिनियन है लिविंग द वरीज बिहाइंड। अब ये सारी चीजें पॉइंट्स का आपको याद रखना, टाइटल क्या है सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड, पोएट कौन है, वॉल्ट विटमैन है, स्टाइल कैसा है, फ्रीवर स्टाइल है। फ्रीवर स्टाइल क्या होता है, एक फ्रीवर स्टाइल ऐसा स्टाइल होता है जहां पे राइमिंग वर्ड्स पोएम के एंड में नहीं आते, लेकिन अगर आप मैक्सिमम पोएम्स में देखोगे तो राइमिंग वर्ड्स होते हैं लास्ट में, ठीक है। लेकिन फ्रीवर स्टाइल वाले पोएम्स में राइमिंग वर्ड्स नहीं होता, तो वही बोला। और इसको आप एक्सप्लेन भी कर सकते हो, इसका फायदा उठा के। फिगर स्पीच एलिटेशन मेटाफोर रिपीटेशन इन्वर्शन, थीम और सेंट्रल आइडिया मेटाफोर ऑफ द रोड लाइफ, ओपिनियन क्या, लिविंग वर इज बिहाइंड। अब अगर आपको ये जो कंटेंट है पूरा याद नहीं रहता है, तो आपको किस तरह से आपसे ये पॉइंट्स के बेसिस पे लिख सकते हो वो भी आपको बता। देखो लिखना कैसे, द पोयम टाइटल एज सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड इज रिटन बाय द पोएट वॉल्ट विटमैन। क्या याद रखोगे, द पोयम सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड इज रिटन बाय द अमेरिकन पोएट वॉल्ट विटमैन इन एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज बुक लीव्स ऑफ ग्रास। ये लिखना चाहते हो तो लिख सकते, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। क्या लिखना है, द पोयम टाइटल एज सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड इज रिटन बाय द अमेरिकन पोएम या फिर रिटन बाय द पोएट वॉल्ट विटमैन, ठीक है। फिर उसके बाद यहां पे क्या हुआ है, इट इज अबाउट ऑप्टिमिज्म एनर्जी एंड कॉन्फिडेंस। ये क्या है, ऑप्टिमिज्म एनर्जी और कॉन्फिडेंस के बारे में पोएम है। अब यहां पे चीज ध्यान रखना, आपको अप्रिसिएशन लिखते टाइम 1200 वालों के लिए ये है कि आप जब अप्रिसिएशन लिख रहे हो तो थोड़ा सा कोशिश करो ये जो टाइटल है पोएम का उसको एक्सप्लेन करने की, टाइटल जो है पोएम का उसको एक्सप्लेन करने की आप कोशिश करो, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं बात करूं तो सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड, ओपन रोड हमें क्या बता रहा है, ओपन रोड मतलब खुला, यानी फ्रीडम बता रहा है, फ्रीडम बता रहा है, हम कहीं भी जा सकते हैं। तो यही चीज बोला है, देखो द रोड हियर सिग्निफाइज मोबिलिटी एंड फ्रीडम, यानी मोबिलिटी मतलब हम कहीं भी जा सकते, कोई रोक टोक नहीं, फ्रीडम मतलब फुल आजादी है भाई, फुल आजादी। तो सबसे पहले मैं क्या रखा, सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड इज रिटन बाय द पोएट वॉल्ट विटमैन, ठीक है। इट इज अबाउट द एनर्जी ऑप्टिमिज्म एंड फ्रीडम, ठीक है। द पोएम द रोड द पोएट हियर डिफाइंस द क्या, द रोड हियर सिग्निफाइज द मोबिलिटी एंड फ्रीडम, समझ में आ। फिर उसके बाद हमने क्या याद किया था, उसके पोएटिक स्टाइल क्या है, पोएटिक स्टाइल है हमारा द पोएम इज इन फ्रीवर स्टाइल, द पोएम इज इन फ्रीवर स्टाइल। अब फ्रीवर स्टाइल का मैंने मीनिंग क्या बताया था कि एज देर इज नो राइमिंग वर्ड, एज देर इज नो राइमिंग वर्ड इन द पोएम, सो द पोएम इज रिटन इन द फ्रीवर स्टाइल वेयर द पोएट इज फ्री टू यूज द वर्ड्स, समझ में आ गया। ये एक हो गया आपका, 2 पॉइंट तो ऐसी बन गया। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं क्या याद करना है, फिगर ऑफ स्पीच एलिटरेशन मेटाफोर रिपीटेशन इन्वर्जन। देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, अब देर आर मेनी अदर पोएटिक डिवाइसेस, या फिर आप लिख सकते हो द पोएट हैज यूज मेनी फिगर ऑफ स्पीच टू ब्यूटिफाई द पोएम, द पोएट हैज यूज मेनी फिगर ऑफ स्पीच टू ब्यूटिफाई द पोएम, सच एज आपका क्या क्या हमने याद किया यहाँ पे, अलिटरेशन मेटाफोर रिपीटेशन और इन्वर्जन। आप यहाँ पे भी देख लोगे तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, देखो रिपीटेशन ट्रांसफर रिपीटेड पैराडॉक्स,
ये सारी चीजें हैं और एलिट्रेशन भी क्या आपका यूज किया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, अब यहां पे क्या बताया, थीम और सेंट्रल है, द थीम और द सेंट्रल आइडिया, द पोयम इज द मेटाफोर, द पोयम इज द मेटाफोर ऑफ द रोड लाइफ, जहां पे क्या किया है, एक जो पोयम को क्या कंपेयर किया किसके साथ, क्या आपके रोड की लाइफ की तरह क्या कंपेयर किया गया। अब ओपिनियन क्या है, अब बेसिकली यहाँ पे रोड ऑफ लाइफ क्या बोला गया, यहाँ पे चीज समझेंगे, यहाँ पे चीज ये बोली गई है कि हमें हमारी जिंदगी में, हमें हमारी जिंदगी में क्या एकदम खुश मिजाज होकर चलना चाहिए, जो भी टेंशन है सारी चीजों को भुला के उनसे आगे बढ़ के, अगर लाइफ में टेंशन आ रही तो उसको फेस करना है और जिंदगी में आगे बढ़ते रहना, कभी रुकना है नहीं रुकना बिल्कुल भी नहीं है। तो यही चीज यहाँ पे क्या बोली है, और लास्ट में आप अपना ओपिनियन लिख सकते हो कि हमें कभी जिंदगी में रुकना नहीं चाहिए, कब जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलें हैं, हम उनसे सीख के हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरह से आप पूरा अप्रिसिएशन क्या लिखोगे आपका, समझ में आ गया। तो पहला क्या, सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड इज रिटन बाय द पोएट वॉल्ट व्हिटमैन, दिस पोएम इज अबाउट द ऑप्टिमिज्म एनर्जी एंड द फ्रीडम, द रोड हियर सिग्निफाइज द मोबिलिटी एंड द फ्रीडम, ठीक है। द पोएट हैज यूज and the poem also signifies the countless opportunities in the life. फिर उसके बाद the poetic style in the poem which is used is frivolous as there is no rhyming word present in the poem, ठीक है। फिर the poet has used many figures of speech such as alliteration, metaphor, repetition, inversion which beautifies the poem in beautifies the poem much more. फिर the theme or the central idea क्या है, the theme the poem द पोयम इज अ मेटाफर ऑफ द रोड लाइफ, वेयर द पोएट सिग्निफाइज या फिर द पोएट गिव्स स्टेट्स दैट कि हमें क्या करना चाहिए, हमें कभी भी जो टेंशन वेंशन को लेकर रुकना नहीं चाहिए। तो यही बोला कि द पोएट स्टेट्स दैट वी शुड नॉट स्टॉप एनी वेयर, वी शुड लीव ऑल द वरीज बिहाइंड एंड मूव इन आर लाइफ, ये बोला गया, समझ में आ गया। तो ये आपका हो गया। फिर उसके बाद बात करूं अगर मैं इंडियन वीवर्स की, अब इंडियन वीवर्स आपका दूसरा पोएम है, तो आप सेम चीज यहां पे भी आपको दिखनी, ये पॉइंट्स लिखो और इसी पॉइंट के बेसिस पे आपका क्या होगा, आपका जो पोएम होगा, ठीक है। देखो ये पोएम टाइटल क्या है, इंडियन वीवर्स, फिर उसके बाद सरोजिनी नायडू, ठीक है। टाइटल क्या है, इंडियन वीवर्स, पोएम में वीवर आ रहे तो समझ आना इंडियन वीवर्स का है, पोएट कौन है, सरोजिनी नायडू। अभी लिया कहां से गया, फर्स्ट वॉल्यूम द गोल्डन थ्रेशहोल्ड से क्या लिया गया, फिगर स्पीच क्या, मेटाफोर सिमिली एलिट्रेशन रिपीटेशन, फीचर क्या, इमेजरी और राइम स्कीम क्या, AABB। अब देखो मैं कैसे लिखूंगा, अब मैं लर्न कुछ नहीं करने वाला, मैं सीधा सीधा बता रहा हूं। देखो मैंने बोला था कि जो पोएट होंगे उनके बारे में थोड़ा बता दो या फिर टाइटल के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दो। अब यहां पर टाइटल में तो कुछ इतना है नहीं, तो हम पोएम के बारे में बताएं, अब पोएट के बारे में थोड़ा सा बता दें। अब सरोजिनी नायडू को तो जानते हैं हमने, 8th स्टैंडर्ड में हमारा जो प्री इंडिपेंडेंस पीरियड वाला हिस्ट्री पढ़ी तो उसमें हमने समझाई है। देखो The poem titled as Indian Weaver is written by the Sarojini Naidu. अब सरोजिनी नायडू कौन थी, सरोजिनी नायडू has played an important role in the freedom of the country India, ठीक है। एक लाइन हो गया अपना, the poem is taken from the first volume of the Golden Threshold which was written by the सरोजिनी नायडू, हो गया दो पॉइंट। फिर उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, द राइमिंग देर आर देर द पोएट हैज यूज मेनी राइमिंग वर्ड, द पोएट हैज यूज द राइमिंग वर्ड इन द पोयम, सो द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोयम, द राइमिंग स्कीम इन द पोयम इज AABB, ठीक है, हो गया। The figure of speech in the poem which is used are metaphor, simile, alliteration, repetition which beautifies the poem to the next level, ठीक है। अब फीचर क्या है, यहाँ पे फीचर द फीचर ऑफ द पोयम इज इमेजरी। अब यहाँ पे चीज और लिख सकते हो कि हियर द पोएट हैज डिस्क्राइब्ड द थ्री स्टेजेस ऑफ लाइफ दैट इज बर्थ, यंग एंड डेथ। देखो यही चीज बोला है, यहाँ पे यही चीज लिखे है, क्या हुआ है, द थ्री स्टेजेस। अब ये कंटेंट थोड़ा सा इतना है कि आप अगर आपको लर्न कर सकते हो तो ठीक है, आप ये लर्न करके, इन केस अगर आप लर्न नहीं कर पा रहे तो आप इस तरह से लिखोगे तो भी आपको ये पॉइंट्स बस ध्यान रखो, और आप आंसर लिखोगे तो आपका काम क्या हो जाएगा, टेंशन लेना नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे जिनको अब जो लर्न कर सकते हैं, ठीक है, उनके लिए मैं बता देता हूं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे यही चीजें जो मैंने बताई वही, बस थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा और ज्यादा इलाबरेट किया। अब पॉइंट्स आपको चाहिए कि पॉइंट्स और लिखना है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, द अब यहाँ पे क्या किया गया, क्वेश्चन पूछा गया इंडियन व्यूवर्स से, ठीक है, कि आप हर एक टाइम पे बेसिकली पोएम में क्या बताया, पोएम में ये बताया कि अलग अलग टाइम पे वो क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक क्लोथ और एक स्पेसिफिक कलर में ही और एक स्पेसिफिक टाइम पे ही क्या वो करते हैं, प्रिंट करते हैं 3 टाइम, ठीक है। तो वो चीज आप लिख सकते हो, उसी का आंसर क्या दे रहे, इंडियन व्यूवर्स दे रहे। फिर आप ये भी लिख सकते हो दोस्तों,
कि आपका ये जो एक लाइफ साइकिल के जो थीम है या फिर सेंट्रल आइडिया वो लाइफ साइकिल है, जहां पे क्या किया है जो हम ह्यूमन के जो तीन स्टेजेस होते हैं, एक बर्थ, एक यंग और एक अडल्ट, ये तीनों स्टेजेस के बारे में क्या बताया गया है, आप एक पॉइंट याद कर सकते हो और फिर लास्ट में एक आप अपना खुद का ओपिनियन लिख सकते हो। अब जैसे लास्ट का ओपिनियन में यहाँ पे एक वो लिखना बोलूंगा, द पोएम इज डेडिकेटेड टू द टैलेंटेड व्यूअर्स एंड सल्यूट देम, आई लाइक द पोएम एंड फाइंड इट ब्यूटीफुल कलरफुल एंड फुल ऑफ इमेजिन। तो आप ये क्या पोयम में क्या लिख सकते हो दोस्तों, समझ में आ गया? तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आपका जो पूरा अप्रिसिएशन आप लिख लोगे आपके चार मार्क्स से, ठीक है, हमें आठ पॉइंट के आसपास, हमें आठ दस से पंद्रह लाइन के आसपास लिया, तो इतना आप लिखोगे तो दस से पंद्रह लाइन का आपका इजिली हो जाएगा। देखो एक तो इंडियन व्यूवर्स वाला हो गया सरोज नायडा, फिर दूसरा लाइन तो यही हो गया आपका, फिर तीसरा अगर मैं बात करूँ फिगर ऑफ स्पीच हो गया, फिर उसके बाद अगर फीचर में अगर मैं चौथा ये हो गया, फिर राइमिंग स्कीम लिखा पांचवा ये हो गया, फिर उसके बाद अब टाइटल को थोड़ा एक्सप्लेन करो, सरोजनी नायडू के बारे में मैंने बोला था आपको एक एक, एक लाइन लिखने के लिए, तो आठ पॉइंट्स तो ऐसे ही हो गया आपके। फिर उसके बाद आप थोड़ा सा इसको मैंने बताया कि लाइफ साइकिल के बारे में बताए, तो आप थोड़ा सा वो एक्सपांड कर दो कि तो दस पॉइंट तो ऐसे ही हो रहे आपके धीरे धीरे, समझ में आ गया? फिर द इनकेप ऑफ रॉक, अब यहाँ पे देखो लिखा किसके द्वारा है, इनकेप ऑफ रॉक, ठीक है, पोएट कौन है, रॉबर्ट साउदी है, ठीक है, राइमिंग स्कीम का ए ए बी बी, फिगर ऑफ स्पीच का इन्वर्शन एडिटेशन ओनोमेटोपिया, थीम और सेंट्रल आइडिया रॉन्ग थिंग्स विल मीट विद दी ड्यू पनिशमेंट, क्या ड्यू पनिशमेंट, ठीक है, और फीचर क्या इमेजिन। अब देखो इसी के बेसिस पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है देखो, द बलाड इन केप ऑफ रॉक इज बाय रॉबर्ट साउदी, आप इतना मत देखो, आप इजी लिखो द पोएम द इन केप ऑफ रॉक इज रिटर्न बाय दी रॉबर्ट साउथ, द राइमिंग स्कीम इज ए ए बी बी, ठीक है, द पोएट यूजेस मेनी ओल्ड इंग्लिश वर्ड, इतना भी लिख दो, अगर याद रहा ये तो लिख देना, नहीं याद रहा तो कोई दिक्कत नहीं लिख दो, बस द पोएट हैज यूज मेनी ओल्ड इंग्लिश वर्ड, द पोएम बिगिंस विद द ब्राइट डे एंड एंड्स ऑन अ डार्क नोट। फिर कुछ फिगर ऑफ स्पीच जो यूज किया गया क्या, इन्वर्शन एडिटेशन ओनोमेटोपिया अभी हमने लर्न किया था, ठीक है, अब दे एड ब्यूटी टू द पोएम, मैंने ऑलरेडी बताया था कि दिस काइंड ऑफ फिगर ऑफ स्पीच एड ब्यूटीफाइज द पोएम टू द नेक्स्ट लेवल। फिर द पोएम इज डिडेक्टिक वन विद अ क्लियर मैसेज एंड मॉरल, हु डू रॉन्ग थिंग्स विल मीट विद द ड्यू पनिशमेंट, ठीक है, यही चीज मैंने आपको वहां पे भी दी है। देखो क्या है, द थीम ऑफ द सेंट्रल आइडिया, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, पोएम स्टेट्स दैट द रॉन्ग थिंग्स विल मीट विद द ड्यू पनिशमेंट, आप ये लिख सकते हो, और जो फीचर है पोएम का वो क्या है, इमेजरी है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं यहां देखो, द इमेजरी टू इज वेरी गुड, अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो आप ये भी लिख सकते हो, अपने खुद के ओपिनियंस भी क्या आप ऐड कर सकते हो, कि जब भी कोई भी अगर गलत करता है तो वो गलत कहीं ना कहीं पूरे जो वर्ल्ड है वो गोल है, तो वो जो गलत है उसको घूम फिर के क्या वापस आता है, तो वो स्टेटमेंट आप ऐड कर सकते हो और इससे आपका क्या हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, हैव यू अर्न टुमारो, ये आपका है, किसने लिखा है, चलो देखेंगे आप, हैव यू अर्न टुमारो, तो यहाँ पे बेसिकली अब इस पोएम में बताया गया, इस पोएम में ये पोएट हमें रियलाइज करना चाहते हैं कि हमारे एक एक दिन में क्या हमने प्रोडक्टिव काम करते हैं, क्या हमारे जीने का मकसद क्या है, हम जी रहे क्यों है, हमारे लाइफ में हमारे कुछ गोल है कि नहीं, पर डे हम क्या हमारे डे को प्रोडक्टिव बना रहे कि नहीं बना रहे, खुद को हम प्रोडक्टिव बना रहे कि नहीं, यही चीज यहाँ पे क्या बोली गई है। तो देखो यही पे लिखा है, द टाइटल क्या, हैव यू अर्न टुमारो, फिर उसके बाद द पोएट कौन है, एडगर गेस्ट है, ठीक है, ये एक इंस्पिरेशनल पोएम है, रैमिंग स्कीम का ए ए बी बी है, अब थीम क्या है, थीम जो है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ लिविंग है, ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया, अब इसको एक्सप्लेन कैसे करना वो भी मैं आपको बताऊंगा, लिखा है मैंने, फिगर ऑफ स्पीच का एडिटेशन इंट्रोगेशन और एसेक्ट्रा यूज किया गया, लैंग्वेज कैसे सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अब यहाँ पे ध्यान दो, द पोएम हैव यू अर्न टुमारो इज अ थॉट प्रोवोकिंग वन, ठीक है, द पोएट एडगर मेक अस पॉन्डर एंड फाइंड आउट वेदर वी हैव डन समथिंग यूजफुल ऑन पर्टिकुलर डे और नॉट, यहाँ पे क्या बोला है, जो पोएट एडगर है वो हमें क्या करे सोचने पर मजबूर करे कि क्या हमने हमारे इस दिन में क्या किया है, कुछ प्रोडक्टिव काम किया है कि नहीं किया है, वही चीज बोला है, ठीक है। अब ही अर्जेस द रीडर्स टू बी थॉटफुल अबाउट द पीपल अराउंड देयर, अब ये क्या कर रहा है, ये जो पोएट है ये बोल रहा है कि ये लोगों से क्या विनती कर रहा है या फिर उनको मजबूर कर रहा है कि भाई तुम सोचो कि तुमने क्या कुछ प्रोडक्टिव काम किया है कि नहीं किया है, समझ में आ गया। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो राइमिंग स्कीम आप लिख सकते हो, ये आपको चार लाइन मैंने बताई, ठीक है। फिर राइमिंग स्कीम क्या है, द पोएट हैज यूज्ड मेनी राइमिंग वर्ड्स इन द पोएम, ठीक है, तो यहाँ पे आप द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम इज ए ए बी बी, फिर ठीक है। फिर थीम ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन किया, द फिगर ऑफ स्पीच यूज इन द पोएम इज एलिटेशन इंट्रोगेशन एसेट्रा, अब द लैंग्वेज यूज इन द पोएम, द पोएट हैज केप्ट द लैंग्वेज वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है, इतना चीज समझा।
फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, अब लास्ट में आपका ओपिनियन ऐड करना है कि आपको क्या लगता है, तो आप लिख सकते हो वन लाइफ इज मीनिंगफुल ओनली इफ इट इज यूजफुल ऑफ ह्यूमैनिटी एट लार्ज, इट इज एन अपलिफ्टिंग पोएम, वी कैन टेक द मैसेज एंड बिगिन इंप्लीमेंटिंग इट इन आवर लाइफ इमीडिएटली एंड एवरीडे। मतलब यहां पे क्या बोला है कि एक इंसान की जिंदगी तभी मीनिंगफुल होगी, तभी मतलब क्योंकि जब वो क्या करेगा, वो दूसरों की मदद करेगा, दूसरों के बारे में सोचेगा, ना कि सिर्फ खुद के बारे में। और सही बात है, सही बात है, हमारी ऐसी जिंदगी, अपने बारे में तो हर कोई सोचता है, एक जिंदगी उसी कहेंगे हम जो क्या दूसरों के बारे में सोचता है, यही चीज क्या यहाँ पे क्या बताइए, तो आप ये भी क्या ऐड कर सकते हो। समझ में आया? अब नेक्स्ट चीज अगर मैं बात करूं तो आपका क्या है, फादर रिटर्निंग होम। अब फादर रिटर्निंग होम में बहुत ईजी है, देखो क्या टाइटल, क्या फादर रिटर्निंग होम, याद कैसे करोगे पोएम में, अगर फादर या फिर चिल्ड्रन आ रहा तो आप याद, तो आप समझ रहे फादर रिटर्निंग होम है। पोएट कौन है? दिलीप छित्रे। लैंग्वेज क्या है? इनफॉर्मल प्लस है सिंपल लैंग्वेज है, इनफॉर्मल है और क्या है सिंपल लैंग्वेज। पोएटिक स्टाइल क्या है? फ्री वर्ड स्टाइल है। पोएटिक स्टाइल क्या है? फ्री वर्ड स्टाइल है। फिगर ऑफ स्पीच का सिमिली मेटाफोर ट्रांसफर एपिटेट और फीचर का इमेजरी। तो यही बोला है, द पोएम फादर रिटर्निंग होम इज रिटन बाय दिलीप छित्रे। अब दिलीप छित्रे कौन है? एक बायलिंगुअल क्या पोएट है, जो अलग अलग लैंग्वेजेस में क्या लिखते हैं, पोएम लिखते हैं। समझा? अब यहां पे ये देखेंगे, ये लिखा है द पोएम फादर रिटर्निंग होम बाय दिलीप छित्रे बायलिंगुअल इज अबाउट अ लोनली ओल्ड मैन। अब ये पोएम किसके बारे में? लोनली ओल्ड मैन के बारे में। तो याद रखना आपको इससे पॉइंट से क्या रखना है, पोएम का टाइटल याद है, दिलीप छित्रे का एक बायलिंगुअल पोएट है और उन्होंने किसके बारे में लिखा है, लोनली ओल्ड मैन के बारे में क्या लिखा है, जो क्या कर रहा है आपके घर को क्या वापस आ रहा है पूरे दिन काम करने के बाद। अब यहां पे आने के बाद वो क्या देख रहा है, अब उसे क्या खाना पड़ रहा है, स्टेल फूड खाना पड़ रहा है। क्या खाना? स्टेल फूड मतलब क्या होता है, बासी खाना खाना पड़ रहा है और वो अकेला है, उसके जो बच्चे है उसको उससे बात नहीं करते, उसके साथ उससे बात नहीं करते, अपने जो जिंदगी के जो पार्ट होते या फिर जिंदगी में जो भी कुछ हो रहा है उसके बारे में शेयर नहीं करते। तो यही पोएम क्या कर रहा है, एक लोनलीनेस का जो सिंबल है क्या इंडिकेट कर रहा है। समझ में आ गया? अब पोएट ने क्या यूज किया है, एक इनफॉर्मल और सिंपल लैंग्वेज का यूज किया है, मैंने ऑलरेडी बताया। फिगर ऑफ स्पीच क्या यूज किए, सिमिली मेटाफोर ट्रांसफर एपिटेट, ये सारी चीजें क्या यूज किए, क्या क्या, सिमिली मेटाफोर ट्रांसफर एपिटेट और सिंटेक्स। अब पोएम कैसा है, फ्रीवर्स स्टाइल में, क्या है पोएम, क्या है आपके फ्रीवर्स स्टाइल में क्या लिखा हुआ है, क्लियर हो गया। और फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ये दर्शाया गया, यहाँ पे ये दर्शाया गया कि जो हमारे आने वाली जनरेशन किस तरह से क्या चेंज होती जा रही है, और कहीं ना कहीं जो ड्रॉबैक है ये बतलाया गया। तो हम एक सेंटेंस ये ऐड कर सकते हैं हमारे ओपिनियन में, और अगर आपको और भी कुछ लगता है तो आप वो भी आप ऐड कर सकते हो। बस ये पॉइंट्स आपके इसमें रहने चाहिए, आपके ओपिनियन टाइटल को थोड़ा एक्सप्लेन कर दो, आपको बाकी लर्न करने की जरूरत भी नहीं है, चीजें लर्न करने बस इतने पॉइंट, पोएटिक स्टाइल किस तरह, फिगर ऑफ स्पीच क्या आ रहा है, लैंग्वेज कैसे यूज की, बस पोएट कौन और ये, बस इतनी चीजें आप करोगे तो आपको बाकी चीजें लर्न करने की जरूरत भी नहीं है। फिर उसके बाद मनी, अब ये मनी वाला जो पोयम है लिखा है W.H. डेविस ने लिखा है, जब भी पोयम में मनी आएगा तो आप समझ लेना कौन सा पोयम है, मनी वाला पोयम है। तो लिखा है किसने, W.H. डेविस ने लिखा है। अब थीम क्या, यहाँ पे इफेक्ट्स ऑफ मनी बता रहा है। इफेक्ट्स ऑफ मनी मतलब क्या हो गया, कि जब इंसान के पास पैसे होते हैं तो उसके दिन कैसे होते हैं, जब इंसान के पास पैसे नहीं होते तो दिन उसके कैसे होते, ये चीज बताए। जब इंसान के पास पैसे होते हैं तो उसके बहुत सारे झूठे दोस्त होते हैं, लेकिन जब इंसान के पास पैसे नहीं होते तो उसके पास जो दोस्त होते हैं वो उसके सच्चे दोस्त होते हैं, ये यहाँ पे बताया। अब फिगर ऑफ स्पीच कौन सी, सिमिली एंटीथेसिस ओनोमेटोपोया बताया। राइमिंग स्कीम क्या आपका, ABCB बताया गया। मैसेज क्या, मनी डज नॉट ब्रिंग हैप्पीनेस, ये चीज बताया। अब इसी को इलाबरेट करें, कैसे इलाबरेट करना, देखो मैं बताता हूँ। द पोयम मनी हैज बीन रिटन बाय पोएट W.H. डेविस, द पोयम स्टेट्स द इफेक्ट्स ऑफ मनी ऑन द बिहेवियर ऑफ ह्यूमंस, ठीक है, इफेक्ट्स ऑफ मनी ऑन द बिहेवियर ऑफ ह्यूमंस, दो हो गया पॉइंट। फिर उसके बाद आप क्या लिख सकते हो, दो मिनट कहाँ गया भाई, हाँ फिर आप क्या लिख सकते हो कि पोएम क्या बता रहा है, पोएम ये बता रहा है, मैंने आपको एक लाइन कही कि जब पैसे ज्यादा होते हैं तो फॉल्स फ्रेंड्स वो ज्यादा, तो एक लाइन आप ये ऐड कर सकते हो। फिर उसके बाद आप और क्या ऐड कर सकते हो, आप ये ऐड कर सकते हो कि ऐसा कुछ नहीं है, कि ऐसा कुछ नहीं है, देयर इज समथिंग नथिंग, यहाँ पे चलो देखो, यहाँ पे देखो, अब पोएट ने क्या नोट किया है, पोएट ने, द पोएट हैज नोटेड दैट द लैक ऑफ मनी डज नॉट मीन लैक ऑफ हैप्पीनेस। अब जो पैसे की कमी, इसका मतलब ये नहीं होता है कि खुशियों की भी क्या कमी होगी, ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। अब जो पुअर मैन है वो क्या कभी हंसता नहीं, कभी खुश नहीं रहता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है जो रिच मैन है वो हमेशा हंसते रहे, नहीं, वो टेंशन में रहता है। समझ में आ गया? तो ये चीज आप ऐड कर सकते हो। फिर उसके बाद आप लिख दो भाई, फिगर ऑफ स्पीच लिख दो, फिगर ऑफ स्पीच सिमिली एंटीथेसिस ओनोमेटोपोया यूज किया गया है ब्यूटीफाई करने की। राइमिंग स्कीम क्या है, ABCB किया गया। अब मैसेज क्या, मनी डज नॉट ब्रिंग हैप्पीनेस, तो उसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करो, इलाबरेट कर दो, खत्म, समझा? तो इस तरह से आप लिख सकते हो, शी वर्क्स इन ब्यूटी।
अब यहां पे अगर मैं सीधी सीधी बात बोलूं, देखो इतना कुछ है नहीं। शी वॉक्स इन ब्यूटी में क्या बताया, लिखा किसने, लॉर्ड बायरन ने लिखा है। फिर उसके बाद राइमिंग स्कीम का ए बी ए बी ए बी है। फिर उसका फिगर ऑफ स्पीच मेटाफर पर्सनिफिकेशन एंटीथेसिस थीम और सेंटर इनर ब्यूटी एंड एक्सटर्नल ब्यूटी। यहां पे क्या थीम और थीम क्या बताया, यहाँ पे बेसिकली एक लड़की के बारे में बताया, उसकी खूबसूरती के बारे में बताया गया, उसकी इनर ब्यूटी के बारे में बताया और साथ ही साथ उसके एक्सटर्नल ब्यूटी के बारे में भी क्या बताया गया। लेकिन यहाँ पे पोएट क्या बोलते हैं, पोएट हमें एक मैसेज देना चाहते हैं कि भाई आप किसी की एक्सटर्नल खूबसूरती देख के आप उसको सही मान लो, हमेशा किसी को कि उसकी एक्सटर्नल ब्यूटी देख के जज मत किया, उसकी इनर ब्यूटी ज्यादा मैटर करती है, वो अंदर से कैसा है, उसका दिल कैसा है, ये ज्यादा मैटर करता है, ऐसा हमारा पोएट, हमारे पोएट जो है इन्फॉर्मेशन दे रहे। तो आपको यही चीज आप इसको रीड करोगे, इतना इसमें कुछ है नहीं, आप रीड करोगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे क्या बोला है, द लॉर्ड बेरन पोएम ओपन विद सम वर्ड्स विद द फॉर्म टाइटल शी वर्क्स इन ब्यूटी, इट इज अ शॉर्ट 18 लाइन पोएम। कितने लाइन की पोएम है, 18 लाइन पोएम। तो ये याद रख लेना, एक काम अब क्या आएगा, द पोएट यूजेस सेवरल पोएटिक डिवाइसेस टू एक्सप्रेस अनडिफाइनेबल ब्यूटी ऑफ द वुमन, देयर आर सेवरल थीम्स। जैसा अगर मैं बात करूं, उनके आईज के बारे में बात किया है, फिर ब्लैक रेवन ड्रेसेस के बारे में बात किया है, फिर सॉफ्ट चिक्स के बारे में बात किया है। तो ये सारी चीजें क्या बात की गई है, तो मतलब पहले उसके एक्सटर्नल ब्यूटी को रिफाइन किया, फिर उसकी इनर ब्यूटी को यहाँ पे क्या बताया गया, ठीक है। अब याद करो, फिर स्मॉल टाउन्स एंड रिवर्स, और स्मॉल टाउन्स एंड रिवर्स में भी सेम चीज है। यहाँ पे क्या बताया, आपकी जो ममंग दाई है, चलो पॉइंट पहले, पोएम किसने लिखा है, पोएम का टाइटल क्या, स्मॉल टाउन्स एंड रिवर्स, पोएट कौन है, ममंग दाई है। यहाँ पे राइमिंग सीम क्या, ऐसा फ्री वर्ड्स और सिंपल लैंग्वेज का यूज की है। थीम और सेंट्रल आइडिया क्या, द पोएम इज लैमेंट। लैमेंट मतलब क्या होता है, लैमेंट मतलब किसी चीज को लेकर रिग्रेट जो बहुत ज्यादा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैमेंट बोलते हैं। अबाउट द डिस्ट्रक्शन ऑफ द नेचर फॉर द डेवलपमेंट। अब यहाँ पे क्या बोला है, द पोएम स्मॉल टाउन्स एंड रिवर्स रिटन बाय ममंग दाई इज अ ब्यूटीफुल वर्ड पिक्चर, इट इज ऑल्सो अ लैमेंट ऑफ द पोएट अबाउट हर ब्यूटीफुल नेटिव लैंड ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अब यहाँ पे क्या बोला है, जो पोएम है स्मॉल टाउन एंड रिवर्स, वो लिखा किसके द्वारा गया, ममंग दाई के बारे में, एक जो ब्यूटीफुल वर्ड पिक्चर है, और सही कहीं ना कहीं ये एक लैमेंट, लैमेंट क्या, एक रिग्रेट है जो क्या हो रहा है, पोएट को फील हो रहा है किसके लिए, उनका जो नेटिव लैंड अरुणाचल प्रदेश है उसके लिए, क्या यानी उनका जो बोलते हैं ना गांव है, गांव है उसके लिए, ठीक है। दिस थीम शोज इन द वे शी बिगिंस द पोएम दैट स्मॉल टाउन्स रिमाइंड हर ऑफ डेथ। अब यहां पे क्या बता रहा है, अब ये जो थीम है, ये थीम है जो क्या बता है, पोएम जो स्टार्ट हुई है, कैसे स्टार्ट हुई है, स्मॉल टाउन्स है वो उनको क्या दिखा रहा है, उनको डेथ की याद क्या दिला रहा है, ठीक है, ये जो कि एक शॉकिंग है, ठीक है। She implies that the town is unchanging in all the weather, but development comes along and changes everything. अब यहाँ पे क्या बोला है कि ये town ऐसा town था कि जो weather है वो कुछ change नहीं कर पाता, लेकिन जब development आया तो उसने क्या change कर दिया। थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे इसको, थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कैसे। देखो कभी भी कोई भी चीज़ जो होती है ना, और जैसे नेचर की अगर मैं चीज़ बात करूँ, तो जब डेवलपमेंट होता है, जहाँ पे वो बिल्डिंग्स बनती है, तो वहाँ पे हमें कई सारे पहाड़ काटने पड़ते हैं, रोड बनता है तो कई सारी चीज़ें काटनी पड़ती है, ट्रीज काटने पड़ते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो क्या हमें कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्शन के पास क्या लेके जाते, तो वो उस तरह का चेंज यहाँ पे क्या कहा गया है। अब देयर इज आयरनी इन दैट साइकिल ऑफ लाइफ एंड दैट शोज दैट लाइफ इज नॉट परमानेंट बट द रिचुअल्स आर परमानेंट। शी यूजेस मेटाफर दैट द रिवर्स आर नॉट अलाइव लाइक अस ह्यूमन बट एक्चुअली इमॉर्टल। अब यहां पे क्या बोला गया कि यहां पे कि चीजें हमेशा सेम नहीं रहती, लेकिन चीजें हमेशा सेम नहीं रहती, लेकिन जो रिचुअल्स होते हैं वो क्या हमेशा क्या सेम रहते हैं। अब यहां पे अगर बात करूं, ये रिवर को उन्होंने क्या आयरनी दी है कि रिवर्स अलाइव नहीं है ह्यूमंस की तरह, लेकिन वो इमॉर्टल यानी वो अमर है, वो क्या अमर है, उन्होंने सारी चीजें देखी हुई है, ठीक है। यही चीज यहां पे क्या बताई हुई आपको, ठीक है। फिर आप इसको थोड़ा सा रीड करोगे बस, बाकी और कुछ इतना है नहीं, एक दो बार रीड करोगे आपका हो जाएगा, इतना है नहीं, बाकी जिस पोएम आपको लर्न करने वाली चीजें थी वहां पे मैंने आपको बताई। तो मेरे ख्याल से आपको चीजें समझी होगी, समझी आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों से शेयर करना, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियो लेक्चर्स हम आपके लिए लेकर आ सके और आपके लैंग्वेजेस की प्रिपरेशन हम करवा सके दोस्तों।